₹5 में, मात्र ₹5। हर तरह के फ़ोन का मॉडल मात्र ₹5 में, कवर गफार में, मोबाइल रिपेयरिंग दुकान के आधे रेट पे। सो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रामा। तो आज मैं आपको चलता हूं लेके गफार मार्केट। दोस्तों वहां पे मोबाइल का जितना भी ऑल आइटम है सब वहां पे मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी सस्ते रेट में सामान आपको मिलता है। तो चलते हैं आप लोग को लेके वीडियो, आप लोग एंड तक बने रहे, वीडियो काफ़ी झक्कास होने वाला। तो मैं दोस्तों पहुँच चुका हूँ नवादा मेट्रो स्टेशन, यहाँ से लेंगे टिकट। टिकट हमें मिल चुका है, हम आगे एंट्री गेट पे। दोस्तों आपको यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है और आपका गेट ऐसे ही खुल जाएगा। देखिए गेट खुल चुका है और अंदर को आ गए हैं हम। तो हमें जाना है नवादा से, अभी मैं नवादा में हूँ। नवादा से जाना है मुझे करोल बाग। देखिए मैंने ये ₹40 का टिकट ले लिया है। तो नवादा से आपका करोल बाग का रेट है मात्र ₹40। तो मैं दोस्तों अब मेट्रो का वेट करूँगा, हालांकि मेट्रो तुरंत तुरंत आता रहता है। तो देखिए सामने मेट्रो आ रहा है। तो अब दोस्तों सीधा हमें चलना है करोल बाग और मेट्रो में एंट्री करते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग को जानकारी पूरा मिल पाएगा और काफ़ी आसानी से दोस्तों आप लोग को सामान सस्ता रेट पर मिल जाएगा। तो हम चलते हैं मेट्रो के अंदर। तो देखिए मेट्रो में हम चल रहे हैं, घुस गए हैं। तो हमें सीट मिल चुका है, लेकिन आज काफ़ी मेट्रो खाली दिख रहा है हमें। देखिए आप, पूरा मेट्रो खाली, देखिए मेट्रो काफ़ी खाली है। ठंड के समय में मेट्रो खाली ही मिलता है, गर्मी में पूरा खचाखच भरा रहता है दोस्तों। तो अभी मेट्रो यहाँ पर रुक गया था, सिग्नल मिल नहीं पा रहा होगा इसीलिए। तो देखिए काफ़ी स्लो मेट्रो चल रहा है। तो हम दोस्तों बस पहुँचने ही वाले हैं करोल बाग, उसके नियर आ चुके हैं और बगल में मेट्रो स्टेशन है करोल बाग का। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं करोल बाग मेट्रो स्टेशन। तो देखिए अब चलते हैं मार्केट और आपको वहां का सीन दिखाते हैं। दोस्तों देखिए जाते ही रास्ते में मुझे मेट्रो मिल गया आते हुए, काफ़ी सुंदर यहां पर देखने में लग रहा है। तो हम अब चलते हैं नीचे और एंट्री से बाहर होते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे, जा रहे हैं दोस्तों। तो जो हमें टोकन मिलता है पर्ची, तो उसे दोबारा स्कैन करना पड़ता है, तभी आप लोग बाहर निकल पाओगे। तो देखिए जो स्कैन, ये हमें स्कैन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, इसे स्कैन करते हैं और बाहर निकलते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए सेम ऐसे स्कैन करना पड़ता है और गेट खुल जाता है और सामने हम होते हैं, नीचे आते हैं, उसके बाद आपको सीन दिखाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं हम नीचे। तो दोस्तों आप दिल्ली के किसी भी कोने से आते हो मेट्रो से, तो सीधा आपको उतरना पड़ता है करोल बाग। अब यहाँ से हमें चलना पड़ेगा आगे, यहाँ से दोस्तों कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो आप चाहते हो तो यहाँ से गाड़ी भी कर सकते हो, बाकी रिक्शा आपको यहाँ पर मात्र लेगा ₹10 और आपको छोड़ देगा करोल बाग में। देखिए सामान यहाँ पे रेडी पटरी पे दोस्तों सामान बहुत सारा मिलता रहता है, काफ़ी सस्ते रेट पे। तो हम दोस्तों अब चल रहे हैं मार्केट की तरफ, मैं आपको आगे का भी सीन दिखाऊंगा। मैं पैदल ही जाऊंगा, कई लोग जाते हैं रिक्शे पे, देखिए रिक्शा लगा हुआ है। जो पैदल रिक्शा है वो आपसे लेगा ₹20 सवारी और जो बैटरी रिक्शा है वो आपसे लेगा मात्र ₹10 सवारी। देखिए आपको फिलहाल दोस्तों अभी सुबह का टाइम है तो इतना बाज़ार लगा हुआ है नहीं। दोस्तों मैं अभी पहुंचा हूं, करीब दोपहर का टाइम है, करीब 2 बज रहे हैं, अभी 2 बजने ही वाले हैं। तो देखिए ये मार्केट है, मैं जा रहा हूं कम से कम यहां से आपको मेट्रो से उतरते ही कम से कम 1 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है और सारा मार्केट आपको दिखाई पड़ रहा है पीछे, और रास्ते में आपको मार्केट बहुत सारा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे जूते का भी होलसेल रहता है और बाकी बहुत सारा बैग का भी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, बैग का भी होलसेलर लगा हुआ है। तो आपको काफ़ी सस्ता रेट में यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए भाई साहब का डब्बा यहाँ पे गिर गया, और देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर बैग का दुकान, रास्ते में हमें मिल गया बैग का दुकान, और आगे आपको मॉल बढ़िया बढ़िया दिख जाता है। तो अब मैं दोस्तों पहुंचने ही वाला हूं मेट्रो से, आपको कम से कम 1 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है पैदल। आप यहां पर रिक्शा भी ले सकते हो, रिक्शा लेकिन चलता है साइड से। तो मैं अब पहुंच चुका हूं गफार मार्केट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू गफार। दोस्तों रास्ता आपका सामने से भी है
और बाएं तरफ से भी है, तो मैं चलता हूँ बाएं तरफ से, क्योंकि हमें, मैं आपको दिखाऊंगा पहले कवर मार्केट। देखिए सामने ये घड़ी मात्र आपको 100 रुपये में तरह तरह का घड़ी बेल्ट मिल जाएगा, तो काफ़ी सस्ता में दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है। और बगल में आपको बेल्ट का, बैग का, सब ये स्टार्टिंग में मिल जाता है। और कपड़ा भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है, हालाँकि ये कपड़ा दोस्तों यहाँ पर उतना सस्ता नहीं मिलता है। जब भी कपड़ा आपको मिल जाता है, देखिए 350 का ये लगा हुआ है। अब हम चलते हैं आगे, और देखिए मैं पहुंच चुका हूं मोबाइल के मार्केट में। तो धीरे धीरे दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर, और आपको यहां का पूरा सीन दिखाते हैं। देखिए यहां पे कवर आपको दुकान में दोस्तों, कवर आपको स्टार्टिंग होता है 20 रुपये से, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह जहाँ पर 5 रुपये का कवर मिलता है, तो वहाँ का भी सीन दिखाऊँगा। आप लोग वीडियो में बस बने रहे एंड तक। ऐसे दोस्तों कम से कम यहाँ पर मान लो कम से कम 1000 दुकान ऐसे, आप यहाँ पे आओगे तो चौंक जाओगे। मैं फ़िलहाल अभी कवर के लाइन में आ रखा हूँ, तो यहाँ पे सारा आपको कवर ही दिखाई पड़ेगा, कवर टेम्पर दिखाई पड़ेगा, बाकी आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा यहाँ पे मोबाइल का। ये देखिए यहाँ पे कवर दोस्तों स्टार्ट है 20 रुपये से, और भाई लोग यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, जितने भी दुकानदार भाई ये सब यहाँ पर आते हैं और ख़रीदते हैं सामान। ये छोटी सी गली है जिसमें पूरा कवर का गोदाम मान लो, तो ऐसे पूरा कवर ही देखो दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए ये कवर आपको मात्र मिल जाएगा दोस्तों 20 रुपये का। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, चलते हैं अंडरग्राउंड में और आपको नीचे जाके वहाँ का सीन दिखाते हैं। नीचे से निकलते हैं, आगे काफ़ी भीड़ है, तो चलते हैं दोस्तों। देखिए नीचे अंडरग्राउंड में आपको बहुत सारा दुकान मिल जाएगा, तो मैं आ गया हूँ नीचे। ऐसे दोस्तों आपको दुकान बहुत सारा मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो। अब मैं आ चुका हूँ मेन जगह दोस्तों। यदि आप लोग का फ़ोन ख़राब होता है यहाँ पे आते हो, तो आपको जो मार्केट में पैसे लगते हैं उससे सस्ता रेट पर यहाँ पर देखिए बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। देखिए ये रिपेयरिंग करता है फुटपाथ पर दोस्तों, बहुत सारा दुकान यहाँ पर खुला रहता है। ये देखिए तो यहाँ पे आपको दुकान से काफ़ी सस्ता रेट में रिपेयरिंग यहाँ पे करके देगा, और हाथों हाथ करके देगा दोस्तों। ये देखिए युवन का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। अब मैं चलता हूँ नीचे, मुझे लेना है बोतल लेना है दोस्तों, वो क्रीम का जिससे हम फ़ोन सफाई करते हैं, टेम्पर लगाते हैं, तो और मुझे लेना है कपड़ा। तो हम चलते हैं शॉप पर और यहाँ से लेते हैं कपड़ा और क्रीम, और फिर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर पूरा अंडरग्राउंड में दुकान बहुत सारा खुला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये है कपड़ा जिससे हम फ़ोन सफाई करते हैं, और ये क्रीम है जिससे हम टेम्पर लगाते हैं सफाई करने के बाद। तो हमने थैला में सारा सामान पैक कर लिया है, अब अंडरग्राउंड से निकलते हैं बाहर। दोस्तों अंडरग्राउंड में बहुत सारा दुकान है, यहाँ पर आओगे तो आपको दुकान बहुत सारा मिल जाएगा। ये देखिए अभी हम चौक पर हैं, और देखिए सामने चौक का नाम क्या ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया था मेमोरी कार्ड चेंज करने के लिए और ख़रीदने के लिए। फ़िलहाल दोस्तों आज सामान काफ़ी कम लेना है, तो देखिए मैं पहुँच चुका हूँ मेमोरी कार्ड के दुकान में। तो यहाँ से मेमोरी कार्ड चेंज करेंगे और मेमोरी कार्ड नया ख़रीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेमोरी कार्ड ही मेमोरी कार्ड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव सब दोस्तों यहाँ पर आपको सस्ता रेट पर मिल जाता है। मार्केट से आपको आधा रेट पर मिल जाता है, जो आपको दुकान में आप ख़रीदते हुए मिलता है। यदि वहाँ पे 300 में ख़रीदते हो तो यहाँ पे आपको 150 में मिल जाएगा। तो हमारा सामान दोस्तों पैकिंग हो रहा है, और देखिए पूरा मेमोरी का खजाना है यहाँ पे। तो हमारा मेमोरी कार्ड पैक हो चुका है, चलते हैं बाहर, वहाँ पे खाना वाना खाते हैं और आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। बाहर निकलते हैं दोस्तों, देखिए सामने में ये कवर का दुकान लगा हुआ था। यहाँ पे दोस्तों जो मॉडल पुराना हो जाता है वो सस्ता में मिलता है। जब भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो देखते हैं तो बोलता है कि सस्ता मिल रहा है, यहाँ आपको जो मॉडल बंद हो चुका है वो मिलेगा मात्र 5 रुपये का कवर, तो काफ़ी सस्ता मिलता है कवर। तो चलते हैं खाने के लिए और आपको वहाँ का सीन फिर से दिखा। दोस्तों मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो छोले कुलचे यहाँ से खा कर ही जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ बनता है। देखिए ये कुलचे और छोले, ये हमें मिला है 50 रुपये का प्लेट जिसमें 3 कुलचे हैं और छोले हैं। तो यहाँ का आलू खाने में काफ़ी मज़ा आता है ये। तो दोस्तों हमने सामान खरीद लिया, अब हम चलते हैं घर और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।